Let's Improve English. Hey friends, welcome to Let's Improve English. दोस्तों इससे पहले मैंने आपको as का केस बताया था कंपैरिजन करने के लिए हम as का यूज कैसे कर सकते हैं. इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ as much, as many, as. ये भी उसी जैसा है, बस थोड़ा सा फर्क है. इसमें बस much या many है. कहाँ पर हमें as much as का यूज करना है, कहाँ पर हमें as many as का यूज करना है, ये आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं. मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस की मदद से सेंटेंसेस की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम as much as और as many as का यूज़ करते हैं. देखिए समझते हैं किस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे इंग्लिश में. एक एक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. जितना चाहो उतना खाओ, जितना खाना है उतना खाओ, जितना पीना है उतना पियो, जितना रहना है उतना रहो, इस तरीके से. तो यहाँ पर है जितना चाहो उतना खाओ. कोई आया आपके घर में और आप एकदम उसके ऊपर लुट गए हो. जितना चाहो उतना खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहाँ पर खाने की बात हो रही तो सबसे पहले हम बोलेंगे ईट, यानी कि खाओ जितना चाहो. कितना? एज मच. इतना एज यू वॉन्ट. ईट एज मच एज यू वॉन्ट. खाओ इतना जितना चाहो, जितना चाहो उतना खाओ. दोस्तों हिंदी में कुछ ऐसा होता है कि हिंदी में जो बाद में आता है इंग्लिश में पहले आता है. जैसे यहाँ पर खाओ लास्ट में आ रहा है, जबकि इंग्लिश के कॉन्सेप्ट में खाओ पहले आ रहा है, ईट पहले आ रहा है. ईट एज मच एज यू वॉन्ट. जितना चाहो, जितना चाहो उतना खाओ. जितनी जगहों पर जाना चाहते हो जाओ. टूर पे लेके गए हो आप अपने फ्रेंड्स को और बोल रहे हो जितने जगहों पे जाना है, जहाँ जहाँ घूमना है उतना घूमो, जितने जगहों पे घूमना चाहते हो. अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर हमने एज मच का यूज़ किया था, यहाँ पर हम मैनी का यूज़ करेंगे. अब दोस्तों मच का और मैनी का हमें कैसे पता चले कहाँ पे यूज़ करना है? जो नाउन्स काउंटेबल होंगे उनके साथ हमें मैनी का यूज़ करना है और जो नाउन अनकाउंटेबल होंगे उनके साथ मच का यूज़ करना है. जैसे कि जिनको हम ऐसे गिन सकते हैं 1, 2, 3, उनके साथ हमें मैनी का यूज़ करना है. जैसे कि 1 pencil, 2 pencil, तो मैनी पेंसिल्स हो जाएगा. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर. हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना 1 water, 2 water, 3 water, नहीं बोल सकते ना. 1 glass of water, 2 glasses of water बोल सकते हैं. तो दोस्तों जो काउंटेबल चीज़ें हैं यानी जिनके साथ हम 1, 2, 3 लगा सकते हैं, वहाँ पर हमें मैनी का यूज़ करना है. और जहाँ पर हम 1, 2, 3 नहीं लगा सकते वहाँ पर हमें मच का यूज़ करना है. अब दोस्तों जितनी जगहों पर जाना चाहो उतना जा सकते हो, यानी जो जगह है वो काउंटेबल है, एक जगह पर गया, दो जगह पर गया, तो यहाँ पर हम एज मैनी का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर भी जैसे खाओ पहले आया था ईट, तो यहाँ पर जाने की बात हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगा गो पहले. गो, गो टू, एज मैनी. जगह को क्या बोलेंगे? प्लेस. प्लूरल हो जाएगा प्लेसेस. गो टू एज मैनी प्लेसेस एज यू. अब यहाँ पर भी चाहने की बात हो रही है तो यहाँ पर भी वॉन्ट आ जाएगा. अगर हम कहना जितनी जगहों पर जा सकते हो तो यहाँ पर वॉन्ट की जगह कैन आ जाएगा. गो टू एज मैनी प्लेसेज एज यू कैन. लेकिन यहाँ पे चाहने की बात हो रही है, गो टू एज मैनी प्लेसेज एज यू वॉन्ट. जितनी जगहों पे जाना चाहो उतनी जगहों पर जाओ. उसे जितनी आज़ादी दे सको दो. बिगड़ने दो उसे. उसे जितनी आज़ादी दे सको दो. तो यहाँ पर देने की बात हो रही तो यहाँ पर गिव पहले आ जाएगा. गिव हर. आज़ादी को क्या बोलते हैं? फ्रीडम. इतनी आज़ादी यानी कि एज मच फ्रीडम. अब दोस्तों यहाँ पर हमने ऑटोमेटिकली मच का यूज़ किया, मैनी का नहीं, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते ना 1 freedom, 2 freedom, नहीं बोल सकते. ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ हमने मच फ्रीडम बोला है. मच फ्रीडम. आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट. गिव हर एज मच फ्रीडम एज यू. अब यहाँ पर दे सकने की बात हो रही है ना, दे सको, तो उसके लिए हम कैन का यूज करेंगे. एज यू कैन. गिव हर एज मच फ्रीडम. इतनी आज़ादी दो उसे जितनी दे सको. गिव हर एज मच फ्रीडम एज यू कैन. जितना चाहो, जितनी चाहो उतनी लड़कियां पटाओ. जितनी चाहो उतनी लड़कियां पटाओ. तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? लड़कियों को भी हम काउंट कर सकते हैं. वन गर्ल टू गर्ल, तो हम क्या बोलेंगे? जितनी चाहो उतनी लड़कियां पटाओ. तो यहाँ पर पटाने की बात हो रही है तो जो बात हो रही होती है, जो वर्ब होता है वो स्टार्टिंग में आता है. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इम्प्रेस. इम्प्रेस As many girls, as many girls. Simple है ना? Impress as many girls as you. Sentence बनाना मुश्किल, sentence बनाना easy है. Impress करना easy नहीं है. As you want. दोस्तों याद रखना ये सिर्फ examples हैं. इसका reality से, ये सभी sentences काल्पनिक है जिनको आप use कर सकते हैं, इसका reality से कोई लेना देना नहीं है. मैं नहीं कह रहा कि पटाओ जाके, मैं तो बस आपको sentence बनाना सिखा रहा हूँ. Impress as many girls as you want. और अगर दम है तो पटा लो. तुम इतना नहीं खा रहे जितना खाते थे. कभी कभी कोई
खा रहा होता है, कम खा रहा होता है, पहले वो ज़्यादा खाता था, हो सकता है वो नाराज़ है, या फिर हम ऐसे ही उसे खुश करने के लिए, पटाने के लिए बोल रहे हैं कि पहले जितना नहीं खा रहे, तुम क्या हो गया, तुम इतना नहीं खा रहे जितना खाते थे, पहले खाते थे, खा रहे, तो ये कंटिन्यूअस है यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तुम नहीं खा रहे, यू आर नॉट ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग, यानी तुम नहीं खा रहे, यू आर नॉट ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग इतना जितना पहले, यानी एज मच एज जितना तुम पहले खाते थे। कोई इंसान किसी काम को पहले किया करता था, उसमें हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, एज यू यूज्ड टू, यूज्ड टू मतलब जितना खाया करते थे। यू आर नॉट ईटिंग एज मच एज यू यूज्ड टू, तुम इतना नहीं खा रहे जितना खाया करते थे। You are not eating as much as you used to. उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा, as much as और as many as का यूज़ कैसे करते हैं। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का है, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। आगे आप इंग्लिश इंप्रूव करते रहोगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छी चीज़ें बताऊंगा और बताते रहूंगा अलग अलग वीडियोज़ में, आप इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।